अलजेब्रा का इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आज हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला का जानकारी होना चाहिए। ये फार्मूला इस तरीके का है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये चीज होता है। अगर आप एक्स वाई और जेड को इसको अगर आप जीरो कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे जीरो करते ही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसी फार्मूला पर बेस है ये क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी को आप एक्स मानिए, बी माइनस सी को वाई और सी माइनस ए को आप जेड मान लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और नीचे आपके पास बचेगा थ्री एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, इसके बदले आप लोग लिख सकते हो थ्री एक्स वाई और जेड। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड होता है, नीचे भी थ्री एक्स वाई जेड बचेगा, ऊपर नीचे आपस में कट जाएगा और आंसर आपके पास वन आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही उत्तर वन हो जाएगा। रेलवे के एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को बनाने का, बी इज इक्वल टू जीरो मान सकते हो आप लोग। जैसे ही बी इज इक्वल टू जीरो मानोगे ए का क्यू आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास माइनस सी का क्यू और फिर यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए का क्यू और नीचे आपके पास बचेगा थ्री ए और यहाँ पे माइनस सी और यहाँ पे सी माइनस ए। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे आपके पास ऊपर और नीचे सेम आ जाएगा और ऊपर और नीचे दोनों कट के वन आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से इसको तोड़कर, फॉर्मूला में तोड़कर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि सही आंसर आया कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।